क्या आपको पता है अगर आप फाइनेंशियल मार्केट में सिर्फ और सिर्फ ETF में इन्वेस्टमेंट करते हैं तब यहाँ पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। क्या बात है, विश्वास नहीं हो रहा, इस ETF के रिटर्न को देख लो। और इतना ही नहीं, मार्केट में इस वाले ETF ने भी काफी अट्रैक्टिव रिटर्न्स दिए हैं। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अगर आप इस वाले ETF को ऑब्जर्व करेंगे तो आप ये कहेंगे कि ETF में इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए। लेकिन आखिर ETF होते क्या है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं और कितने अमाउंट ऑफ रिटर्न्स आपको कमाने को मिलेंगे, और तो और ETF में इन्वेस्टमेंट करने के एडवांटेजेस क्या होते हैं, हर एक चीज के बारे में आज के इस वीडियो में मैं डिटेल में कवर करूंगा। तो एज यूजुअल हमारा आज का वीडियो भी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो और आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट्स और पर्सनल फाइनेंस जुड़ी बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ETF होते क्या है। ETF का फुल फॉर्म होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ये बिल्कुल म्यूचुअल फंड की तरह होते हैं। जिस तरीके से म्यूचुअल फंड कंपनीज अलग अलग तरीके की स्कीम चलाती हैं, अलग अलग तरीके से इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और यहाँ पर इनके फंड्स के पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं। ये तो थी म्यूचुअल फंड्स में एक्टिव म्यूचुअल फंड्स की बात। लेकिन वहीं पर म्यूचुअल फंड्स में कुछ पैसिव फंड्स भी होते हैं जहाँ पर इन्हें मैनेज करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। इक्विटी मार्केट में कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिन्हें पैसिव म्यूचुअल फंड कहा जाता है और ये किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। मतलब यहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स में आपको जितने रिटर्न दिखाई देंगे उतने ही सिमिलर रिटर्न आपको म्यूचुअल फंड की स्कीम्स में दिखाई देंगे। ETF यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड भी म्यूचुअल फंड की तरह परफॉर्म करता है। अगर आप ETF में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपने किसी इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट किया है। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड के यूनिट अलॉकेट होते हैं और म्यूचुअल फंड के यूनिट की NAV जो होती है वो डे के एंड में डिसाइड होती है। लेकिन वहीं पर ETF की बात की जाए तो ETF का कांसेप्ट बहुत ही ज्यादा सिंपल है। जिस तरीके से मार्केट परफॉर्म कर रहा है उस तरीके से ETF प्राइस चेंज होगी और उस चेंज होती हुई प्राइस में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के कॉस्ट को ETF में इन्वेस्टमेंट करने के कॉस्ट के साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तब यहाँ पर आपको एक्सपेंस रेशियो पे करना पड़ता है आपके म्यूचुअल फंड की स्कीम को मैनेज करने के लिए। बेसिकली एक तरीके का चार्ज होता है जो म्यूचुअल फंड कंपनीज आपके पास से चार्ज करती है आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए। अगर आप ETF में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ETF में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आप डायरेक्टली इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और सबसे खास बात तो यह है कि अगर आप इक्विटी में डिलीवरी ट्रेड लेते हैं तो बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर्स आपको डिलीवरी ट्रेड जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। डिलीवरी ट्रेड्स पर आपको ब्रोकरेज फी पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो इस चीज का बेनिफिट भी आपको मिल जाता है। अगर आपका एक्सपेंस रेशियो कम है, आपको पैसे कम पे करने पड़ रहे हैं, तब यहाँ पर आपके जो रिटर्न्स हैं वो आपको ज्यादा कमाने को मिलेंगे। और वहीं पर फ्लेक्सिबिलिटी की बात की जाए तो म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में ETF में बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अगर आप लोगों को ETF में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप मार्केट से ETF में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जिस तरीके से स्टॉक मार्केट में किसी भी कंपनी के शेयर्स को बाय या सेल करते हैं वही सेम प्रोसेस फॉलो करना होता है ETF की इन्वेस्टिंग में। ओवरऑल अगर मैं आसान भाषा में कहूँ तो ETF में इन्वेस्टमेंट करना काफी ज्यादा आसान है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का कॉस्ट भी कम होता है और इसके अलावा अगर आप ETF में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के कंपैरिजन में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। अभी तक की वीडियो में मैंने आपको बताया है कि ETF क्या होते हैं, ETF में इन्वेस्टमेंट करने के एडवांटेज क्या होते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि अगर आप लोग ETF में इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तब यहाँ पर आपको कितने ज्यादा रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। आप लोगों ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पर ये तो सुना होगा कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। इसका मतलब यह है कि मार्केट जिस तरीके से परफॉर्म करेगा उस तरीके से आपको म्यूचुअल फंड के यूनिट की परफॉर्मेंस भी दिखाई देगी। अगर आप लोग ETF में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ETF का केस भी सेम है। जिस तरीके से मार्केट की परफॉर्मेंस होगी उस तरीके से ETF की परफॉर्मेंस होगी। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो ETF की परफॉर्मेंस भी आपको डाउन ट्रेंड में ही दिखाई देगी। लेकिन अगर मार्केट बुल रन में आ चुका है और मार्केट में अच्छे रिटर्न जनरेट रहे हैं तब आपको ETF में बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप लोग ETF में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं या 3 साल के लिए भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तब यहां पर आपको बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। एग्जाम्पल तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिए हैं। आई गेस अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप लोग ETF में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। लेकिन क्या आपको सिर्फ और सिर्फ ETF में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं तो ETF एक इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन हो सकता है। लेकिन एज अ बिगिनर अगर आपको समझ में नहीं आता है कि कहां पर इन्वेस्टमेंट करना है, कौन से कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है, तब आप ETF का ऑप्शन चूज कर सकते हैं और यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर हैं और आप अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई भी करना चाहते हैं तब यहाँ पर ETF के ऑप्शन को आप चूज कर सकते हैं। और जब मार्केट नेगेटिव परफॉर्म करेगा तो ETF की वैल्यू उतनी ज्यादा नहीं गिरेगी और इसकी वजह से आपके इन्वेस्टमेंट के प्रिंसिपल की सेफ्टी भी होगी। अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में या ETF में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डीमैट अकाउंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। और अगर आपके पास एक डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। होप
करता हूँ कि आज की वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूबल लगा होगा। अगर आपको आज के इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। इसी के साथ साथ मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।